बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका टीचर अहमद रज़ा अलवी, और यहां पे हमने स्टार्ट किया हुआ है सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2, और यहां पे एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 और इसका पार्ट नंबर है 7। यहां पे हमारे पास इक्वेशन है 2 over x की पावर 4, और यहाँ पर हमने इसका डेरीवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई डेफिनेशन। और यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेट नाम देंगे वाई का, वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 by x की पावर 4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 into x की पावर -4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस y को चेंज करेंगे y प्लस डेल y के अंदर, और इस x को चेंज करेंगे x प्लस डेल x के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएं, तो 2 into x plus del x और इसकी पावर -4 -y। अब आपने क्या करना है, डेल y 2 into x plus del x इसकी पावर -4 -y की जगह पे आपने क्या करना है, वही वाली वैल्यूज आपने पुट कर दी है 2x की पावर -4। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लें, क्या सॉरी x 2 और x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 plus del x over x की पावर जो होगी ना, वही आपने क्या किया है, x कॉमन ले लिया है, तो ये नीचे डिवाइड भी होगा, और यहाँ पे आपकी होल पावर क्या आ जाएगी, x आपने कॉमन ले लिया है तो होल पावर आपके पास -4, और इधर आपके पास -2 x की पावर -4 एज इट इज है। आप अलग अलग पावर ले लें, यानी कि x की पावर क्या आ जाएगी -4, और यहाँ पे 1 plus del x over x और इसकी होल पावर -4, और इधर -2 x की पावर -4। अब ये देखें कि 2 x की पावर -4 ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 x की पावर -4, ये कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 plus del x over x और इसकी होल पावर -4 -1, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है डेल वाई। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू 2 x की पावर -4, ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 1 plus del x over x इसकी होल पावर -4 है, तो इसको हम एज ए कंसीडर करेंगे, ये 1 है, ये x है, और ये आपके पास है n है। ठीक है, और यहाँ पे हम यही थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे 1 plus n, आपके पास क्या है पावर है, ठीक है, तो क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, और x क्या है, l आपके पास है डेल x ओवर x, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा डेल x ओवर x आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपने प्लस लिखना है, और n आपके पास क्या है -4 into -4 -1 divided by 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स ओवर एक्स का होल स्केयर आ जाएगा, और प्लस ये चलती जाएगी वैल्यूज, और साथ में आपने क्या करना है -1 भी लिखेंगे, तो इधर -1 लिखना नहीं भूलना आप। ये -1 आ गया, अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, 1 -4 del x over x आ जाएगा, और इसी तरह ये -4 मैं एज इट इज लिखता हूँ, ये -5 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू डेल एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर, और प्लस, और ये आपने ओपन कर देना है, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये +1 और ये -1 ये कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2 into x minus 4 into -4 del x over x, -, क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को 2, 4, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 20 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस, ये चलती जाएगी वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, इसमें से डेल एक्स आपने कॉमन ले लेना है, तो 2 x की पावर -4 into del x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा -4 by x बचेगा, और प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, और इंटू डेल एक्स ओवर एक्स स्केयर, और प्लस ये ऐसे चलती जाएगी।
क्योंकि इसमें से आपने एक कॉमन ले लिया है, ये स्क्वायर है, एक कॉमन ले लिया, एक आपके पास अंदर बचेगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है डेल एक्स को बोथ साइड। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x^-4 इंटू डेल एक्स ओवर डेल एक्स, और आपके पास वैल्यू वैसी की वैसी ये आ जाएगी 10 डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस एज इट इज। ठीक है, तो ये आपके पास डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और यहां पे आपके पास 2x^-4 ये एज इट इज -4/x और लिखेंगे, और प्लस यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये अप्रोचेस टू 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इससे आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आपने आंसर लिख लेना है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आएगा, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 डिवाइडेड बाय ये x^4 नीचे आगे प्लस हो जाएगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो x^ क्या आ जाएगी, 5। तो -8/x^5 यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इजी लगा होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। और आप इस इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 2.1 का पार्ट नंबर 8 है, और यहाँ पे हमारे पास है x^2+1/x^2। सबसे पहले हम इसको बाय डेफिनेशन हल करेंगे, तो इसको हम नाम देंगे, लेट करेंगे, लेट सपोज y इज इक्वल टू हमारे पास है x^2+1/x^2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x^2+x^-2। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब y को आप चेंज करेंगे y प्लस डेल y में, और इज इक्वल टू x को भी आप x प्लस डेल x के अंदर चेंज करेंगे, और इसी तरह आपने इसका स्क्वायर भी ले लेना -2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस y को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएं, तो x प्लस डेल x इसका स्क्वायर है प्लस x माइनस प्लस डेल x इसकी पावर -2 और -y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, x^2+2x^x प्लस आप इसको एज इट इज ही रहने दें x^2 इसकी पावर -2 माइनस, अब आपने y की वैल्यू आपने ये पुट कर देनी है, यानी कि x^2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x^-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये x^2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, डेल x^2+2x^x प्लस, अब इसमें से आपने क्या करना है, x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 1+∆x/x और इसकी होल पावर क्या है, -2 है, और ये -2x^-2 आ जाएगी एज इट इज़। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएं, और यहाँ से x^ अलग कर लें, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1+∆x/x इसकी होल पावर -2 -x^-2। ठीक है, ∆x^2+2x∆x प्लस, यहाँ से आपने क्या करना है, इसमें से आपने होल में से ये दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है x^-2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1+∆x/x और इसकी पावर -2 -1 आ जाएगा।
ठीक है। ये आपने क्या किया है, इसमें से आपने x की पावर माइनस टू ये दोनों में से कॉमन ले लिए, ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी। तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस डेल एक्स ओवर एक्स इसकी होल पावर माइनस टू माइनस, और ये बाहर चला गया आपके पास माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है डेल वाई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू। और यहाँ पे ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये वाला आपने थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है, वन प्लस डेल एक्स ओवर एक्स और इसकी पावर माइनस टू है, यहाँ पे एक्स आपके पास है डेल एक्स ओवर एक्स और एन आपके पास क्या है माइनस टू, आपने वहाँ पे आपने लिखना है वन, वन की जगह पे वन और प्लस एन की जगह पे आपके पास क्या है माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू लिखेंगे और x की जगह पे आपके पास क्या है डेल x ओवर x, तो यहाँ पे डेल x ओवर x लिखते हैं और प्लस लिखें, फिर n आपके पास क्या है माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल इंटू डेल x ओवर x का होल स्केयर आ जाएगा और प्लस इसी तरह ये चलती जाएगी, और ये माइनस वन आपने लिखना नहीं बोलना, यहाँ पे माइनस वन लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू इंटू वन, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू डेल एक्स ओवर एक्स, और इसी तरह माइनस टू आपके पास क्या आ जाएगा इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, और आपके पास माइनस वन, ये ओपन कर लें आप, ठीक है। और ये प्लस वाला वन और ये माइनस वाला वन ये कट देगा, आपके पास क्या रह जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू इंटू माइनस टू डेल एक्स ओवर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा थ्री आ जाएगा, और इंटू डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ये चलती जाएगी वैल्यूज। अब ये देखें कि यहाँ से आपने क्या करना है, डेल एक्स यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं डेल एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास आ जाएगा डेल एक्स ये वाला प्लस टू एक्स और ये डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी डेल एक्स कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस टू बाय एक्स, और यहाँ से भी एक आपके पास क्या आ जाएगा डेल एक्स बाहर चला जाएगा और एक रह जाएगा, वो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है डेल एक्स के साथ, तो डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू इंटू माइनस टू बाय एक्स प्लस थ्री डेल एक्स ओवर एक्स के और प्लस, ये एज इट इज़ चलती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कट कर दें। अब आपने अप्लाई करनी है लिमिट, तो अप्लाई करें लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। तो जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स पे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगा। और राइट साइड पे आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये जीरो हो जाएगा, प्लस टू एक्स एज इट इज आ जाएगा और प्लस एक्स की पावर माइनस टू इंटू माइनस टू बाय एक्स और प्लस, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे लिमिट वो क्या हो जाएगी जीरो, तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज आगे वाली जीरो हो जाएगी, ठीक है।
और आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो माइनस 2 बाय एक्स की पावर ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये माइनस 2x ये नीचे जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। एक पावर इसकी है और दो पावर इसकी है तो पावरें ऐड हो जाएंगी और ये आपके पास आंसर आ चुका है। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 बाय एक्स क्यूब और ये इसका आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आसान है, ठीक है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी वो एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र थी, मैंने क्या किया इसको x को ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी माइनस में चले जाएगी। फिर आपने x को चेंज करना है x प्लस डेल x के अंदर और इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, ठीक है, ओपन करके और यहाँ से y की वैल्यू आपने पुट करनी है और कैंसिल आउट करना है। फिर आपने सिंप्लीफाई करते जाना है यहाँ तक और यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है। बाइनोमियल थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 1 और ये 1 आपका कट जाएगा। उसके बाद आपके पास जो वैल्यूज आएंगे उसमें से आपने डेल एक्स कॉमन लेना है, डेल एक्स कॉमन लेके आपने डिवाइड भी करना डेल एक्स बोथ साइड और फिर आपने साथ ही लिमिट अप्लाई कर देनी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा और इस क्वेश्चन को लाइक करें और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।